व्हाट्स अप गाइस, आदित्य है। और गाइस, आप सभी को तो पता ही है फेस्टिव सीजन जो कि है चालू हो चुका है, लेकिन हर कोई यूट्यूबर आपको केवल या तो अमेज़ॉन की डील्स बताता है या फिर फ्लिपकार्ट की डील बताता है। कोई भी आपको दोनों डील्स को कंपाइल करके नहीं बता रहा है कि कौन सी डील्स आपको बेस्ट रहेगी, कौन सा स्मार्टफोन आपको किस सेगमेंट में अच्छा मिलने वाला है। तो वो काम मैं कर दूंगा आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों की डील्स के साथ साथ, मतलब कि दोनों की डील्स को मैंने कंपाइल किया है और हर सेगमेंट में मैंने ऐसे ऐसे डिवाइस निकाले हैं जो कि आपको हर सेगमेंट में अलग अलग आएंगे। तो मैंने हर सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग मोबाइल निकाले जो कि है अंडर 7 के, अंडर 10 के, अंडर 15 के, अंडर 20 के, अंडर 30 के, फिर अंडर 40 के। तो ऐसे सेगमेंट्स के अंदर मैंने स्मार्टफोनों को निकाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। और मैंने टोटल 6 सेगमेंट निकाले जो कि 7 के, 10 के, 15 के, 20 के और 30 के और 40 के। तो हर सेगमेंट में मैं आपको दोनों जो वेबसाइट उन दोनों की जो डील्स उनको कंपाइल करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर अमेज़ॉन की, तो आपको डील्स के साथ साथ क्या क्या ऑफर्स देखने को आए हैं। तो आपको अमेज़ॉन के अंदर SBI के जो कार्ड्स है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स पे, उसके अंदर आपको अप टू 10% का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है और साथ में 10,000 रुपीज़ तक का आपको कैशबैक देखने को मिलने वाला है। साथ में आपको वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट का भी ऑफर इसी फेस्टिव सीजन के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं अगर हम फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट को इस बार जो स्पॉन्सर किया है वो इस बार किया एक्सिस बैंक ने और ICICI बैंक ने। तो एक्सिस बैंक के डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पे आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है और जो ICICI बैंक के कार्ड है उसके क्रेडिट कार्ड पे आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। और बाकी जो डील्स हैं उनके ऊपर तो आपको अलग से जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है वो तो है ही। साथ में आपको फ्लिपकार्ट का जो कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन प्लान है वो केवल और केवल 1 रुपये में देखने को मिलने वाला है। तो एक काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपका जो डिवाइस अगर डैमेज हो भी जाता है तो उसका जो 50% जो नुकसान है वो फ्लिपकार्ट झेलता है। तो ये एक अच्छी बात है। और अगर आप अमेज़ॉन से कोई चीज़ को परचेज करते हो और अगर आप अमेज़ॉन पे को यूज़ करते हो तो आप उसके यूज़ से आप 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर 7,000। तो 7,000 में आपको कौन कौन से स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले। तो सबसे पहला जो हमारे इसमें स्मार्टफोन है वो है रेडमी का सेवन है। तो रेडमी का सेवन है जो आपको मिलने वाला है, 2+16G वाला स्मार्टफोन मिलने वाला आपको मात्र और मात्र 5,000 रुपये में। तो 5,000 रुपये में ये काफ़ी अच्छी डील है। अगर आपका टाइट बजट है तो आप इसे बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। इसके अंदर आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है और काफ़ी एक अच्छा स्मार्टफोन है। इसके बाद चलते हैं हम रियलमी C2 के ऊपर। तो रियलमी का C2 जो है आपको 6,000 रुपये में मिलने वाला है जो कि इसका 2+32GB वाला मॉडल। और इसके बाद हम चलते हैं अंडर 7,000 के अंदर कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा। तो ये मेरे हिसाब से इसके अंदर जो स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स का Hot 8, क्योंकि इसके अंदर आपको 4+64GB का जो मॉडल है अंडर 7,000 में देखने को मिल जाता है। 5,000 mAh की जो मैसिव बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है जो कि इन दोनों ही डिवाइसेस में आपको देखने को नहीं मिलती। तो मेरे हिसाब से अंडर 7,000 में जो बेस्ट स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स का Hot 8। अब जो रेडमी का 7 है आपको अमेज़ॉन पर भी देखने को मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल जाएगा। तो आप जहाँ से चाहे वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो अंडर 7,000 में जो बेस्ट स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स का Hot 8, क्योंकि इसके अंदर आपको 4+64GB का मॉडल अंडर 7,000 में देखने को मिल जाता है जो कि इन दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ में 5,000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है, मीडियाटेक A22 का अच्छा खासा प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है और काफ़ी सारी आपको ट्रिपल कैमराज का सेटअप मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो कि इन दोनों ही डिवाइसेस में मिसिंग है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जो कि है अंडर 10,000 का सेगमेंट। तो इसके अंदर आपको मिलने वाले काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन जो कि मैंने कंपाइल किए। तो इसके अंदर आपको मिलने वाला सबसे पहला जो स्मार्टफोन है Realme 5। जो Realme 5 का बेस्ट वेरियंट है वो आता है 10,000 का, वो अब आपको मिलने वाला है 9,000 रुपये में, 3+32GB का मॉडल। तो इसके अंदर आपको क्वाड कैमराज देखने को मिल जाते हैं, 665 का अच्छा खासा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 5,000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद चलते हम अगली डील की ओर, तो वो है Vivo का U10 भी अभी लॉन्च हुआ और इसके अंदर आपको सेम टू सेम स्पेक्स देखने को मिलते हैं जो कि बराबर है Realme 5 के। तो Realme 5 जो आपको मिलता है 9,000 में, वो भी ये भी आपको 9,000 में मिलता है, 665 आपको इसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, 5,000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलने वाली है। साथ ही में इसके साथ आपको 18W का क्विक चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी डील है Vivo की तरफ से। अब चलते हैं इसके साथ सैमसंग की ओर। अगर आप सैमसंग के फ़ैन और अगर आप देख रहे हो कोई 10,000 रुपये के अंदर स्मार्टफोन जो कि आपको सैमसंग की तरफ से है, तो सैमसंग का M10s जो कि अभी लॉन्च हुआ है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है।
इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वो भी अंदर 10,000 रुपये में, और काफ़ी सारा जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छे है। अब चलते हैं रेडमी की डील की ओर। तो रेडमी का जो अंदर 10,000 स्मार्टफोन है वो आने वाला है रेडमी का नोट 7। तो आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छे सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि सबसे पहले 48 मेगापिक्सल का डुअल कैमराज, जो कि अंडर 9,000 में कोई भी स्मार्टफोन आपको नहीं दे रहा है। सारे स्मार्टफोन में आपको नॉर्मल कैमराज देखने को मिलने वाले, लेकिन ये केवल और केवल एक ही स्मार्टफोन है जो कि आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा अंडर 9,000 या 10,000 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका जो बेस वेरियंट है 3+32GB वाला रेडमी नोट 7 इसका, वो आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 9,000 रुपये के अंदर, जो कि इसका जो बेस वेरियंट है वो आता है 12,000 रुपये का। तो मेरे हिसाब से अंडर 10,000 में जो बेस्ट डील है वो है रेडमी नोट 7 की, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है, ग्लास बॉडी डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, साथ में आपको इसके अंदर टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इन सारी डिवाइसेस में मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से अंडर 10,000 में रेडमी नोट 7S एकदम बेस्ट डील है। तब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो कि है अंडर 15,000। तो इसके अंदर आपको कम से कम 6 या 7 स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले, लेकिन इसके अंदर भी एक बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि अंडर 15,000 आपको परचेस करना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम रियलमी के स्मार्टफोन की ओर। तो रियलमी का 5 प्रो जो कि आपको देखने को मिलता है 14,000 रुपये के अंदर, वो अब आपको 1,000 रुपये डिस्काउंट से 13,000 रुपये के अंदर देखने को मिलने वाला है। जो सैमसंग का जो रेडमी का नोट 7 प्रो है वो अब आपको मिलने वाला है 14,000 रुपये से घटकर 12,000 रुपये में। और अगर आप इसको पप ऑफर में देखते हो तो इसके अंदर आपको मिलने वाला है ये ओनली ऑन 11,000 रुपये में। तो 11,000 में एक सुपर डील है जो कि आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 4000mAh की बैटरी। तब चलते हैं वीवो के स्मार्टफोन की ओर। तो वीवो का स्मार्टफोन जो है वो मिलने वाला आपको वीवो का Z1 प्रो, जो कि आपको मिलने वाला है 15,000 रुपये से घट के आप सीधा 13,000 में। तो 13,000 में काफ़ी अच्छी डील है, अगर आप वीवो का कोई स्मार्टफोन देख रहे हो तो आप इसे परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे स्पेक्स अच्छे मिल जाते हैं। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 712 चिपसेट देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं सैमसंग के स्मार्टफोन की ओर। तो सैमसंग का स्मार्टफोन जो अंडर 15,000 है वो है सैमसंग का अभी अभी लॉन्च हुआ M30S। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। आपको इसके अंदर 6000mAh की मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिल जाती है, इसके अंदर आपको AAA कैमराज देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन है जो इसके आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सुपर एमोलेड स्क्रीन। और अगर आप सैमसंग का कोई डिवाइस देख रहे हो जो कि अंडर 15,000 में आपको देखने को मिल जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है अंडर 15,000, क्योंकि इसके जो बेस मॉडल की प्राइस होती है वो है 14,000। इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको अमेज़न पे बैलेंस की तरफ से खरीदते हो तो इसके ऊपर आपको 1,000 रुपये का प्रीपेड ऑफ देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की ओर। तो वो है पोको का F1। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलने वाला है मात्र मात्र 15,000 रुपये के अंदर। तो ये बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 15,000 के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 845 जैसा फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट, 4000mAh की बैटरी। बाकी आपकी जो इसकी बॉडी है वो ठीक ठाक सी है, लेकिन जो बेस स्मार्टफोन है वो यही है जो 15,000 रुपये के अंदर आपको सबसे अच्छी वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलती है, क्योंकि जो स्मार्टफोन आपको 845 का जो चिपसेट है वो काफ़ी अच्छा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो बेस्ट स्मार्टफोन जाता है हमारा पोको F1 को अंदर 15,000 रुपीज़ में। तो अब चलते हैं, जो पोको F1 जो है आपको अमेज़ॉन पर भी देखने को मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं अंडर 20,000 के सेगमेंट की ओर। तो इसके अंदर आपको केवल और केवल 3 स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्मार्टफोन है रियलमी का XT है, जिसका जो बेस वेरियंट है 4+64GB वाला, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है मात्र मात्र 16,000। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, अगर आप कार्ड का यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अब जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है वीवो का Z1X। तो इसके अंदर आपको 1,000 रुपये का ऑफ देखने को मिलता है, जो कि 16,000 रुपये से घट के हो जाता है 15,000। तो अगर आपका टाइट बजट है और आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए, 712 चिपसेट चाहिए, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो वीवो के Z1X को। और जो 20,000 रुपये के अंदर जो बेस स्मार्टफोन है वो आता है हमारा रेडमी का K20, क्योंकि इसकी जो प्राइस है 22,000 से घटकर अब 20,000 रुपये हो गई है। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है ग्लास बॉडी का डिज़ाइन ऑल टू ऑल, इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 730 चिपसेट देखने को मिल जाता है, 4000mAh की बैटरी मिल जाती है, फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाता है, पॉपअप कैमरा मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से 20,000 रुपये के अंदर ये बेस स्मार्टफोन है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। तो अंडर 30,000, इसके अंदर भी आपको 3 या 4 स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप
सबसे पहले बात करें रेडमी के K20 Pro की प्राइस, तो इसके अंदर आपको मिलने वाली 25,000 रुपये में आपको मिलने वाला है। इसके बाद चलते हैं आसूस का जो 6G है, जो इसकी बेस मॉडल की प्राइस जो 33,000 होती है वो मिलने वाली है आपको 28,000 रुपये के अंदर। अब चलते हैं पिक्सल के 3A की ओर, तो इसके ऊपर आपको 10,000 रुपये का कट मिलने वाला है डायरेक्ट। ये आपको स्मार्टफोन मिलता है पिक्सल का 3A जो कि 40,000 का वह मिलने वाला है ये 30,000 रुपये के अंदर। और ये बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है इन द वर्ल्ड, क्योंकि पिक्सल की जो सीरीज़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जो बेस्ट स्मार्टफोन है इसके अंदर वो है हमारा K20 Pro। और एक और स्मार्टफोन है जो कि आपको अमेज़न पर मिलने वाला वो है OnePlus का 7। तो OnePlus का 7 की जो प्राइस है 33,000 से घट के अब 30,000 रुपये हो चुकी है, और ये बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है अगर आप OnePlus का कोई स्मार्टफोन देख रहे हो जो कि 30,000 में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि बेस्ट स्मार्टफोन कौन है 30,000 रुपये के अंदर, तो मैं बोलूँगा आपको रेडमी का K20 Pro, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाते हैं, AAA कैमरास मिल जाते हैं, पॉपअप सेल्फी कैमरास मिल जाता है, और साथ में इसके अंदर आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है अंडर 30,000। तब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की और जो कि ये आखिरी सेगमेंट है हमारा वो है अंडर 40,000। तो इसके अंदर दो ही स्मार्टफोन आते हैं जो कि है ROG 2 जो कि अभी लॉन्च हुआ है, और है OnePlus 70। तो लोगों के इसमें कन्फ्यूज़न बढ़ चुके कि यार हमें OnePlus 70 लेना चाहिए या फिर ROG 2 लेना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप अच्छा डिज़ाइन चाहते हो, अच्छे कैमरास चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि OnePlus 70 आप परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहते हो अंडर 40,000 के अंदर, तो मैं आपको बोलूँगा ROG 2, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाती है 6000mAh की बैटरी, 120Hz का एक बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले, आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, साथ में इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, दो टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, और साथ में इसके अंदर आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। और मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मुझे हेडफोन जैक होना ही होना। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन देख रहे हो अंडर 40,000 के अंदर, तो मैं आपको एक बिग थम्स अप दूंगा और रिकमेंड करूंगा कि आप ROG 2 ही लें, क्योंकि OnePlus 70 की जो बाद में जो स्क्रीन जो सर्विस सेंटर की जो वो है सर्विस वो बहुत ही घटिया होती है। अगर आपका 30,000 का स्मार्टफोन है और अगर वो फूट जाता है तो 60,000 रुपये लग जाते हैं पूरे। तो मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हो 40,000 के अंदर एक ओवरऑल एक गुड स्मार्टफोन, तो ऑलराउंडर स्मार्टफोन, तो आपको आसूस का ROG Phone 2 बिल्कुल परचेस करना चाहिए। तो सेगमेंट में कौन से स्मार्टफोन बेस्ट है, तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर 7,000, तो इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है इन्फिनिक्स का Hot 8, और जो 10,000 है उसके अंदर आपको मिलने वाला है रेडमी का Note 7S जो बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। अंडर 15,000 में आपको मिलने वाला पोको का F1 जो कि बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। अंडर 20,000 में आपको मिलने वाला रेडमी का K20 जो कि एक बेस्ट स्मार्टफोन है। अंडर 30,000 में आपको मिलने वाला रेडमी का K20 Pro जो कि बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 30,000 में। और अंडर 40,000 में आपको मिलने वाला है ROG Phone 2। तो यही थे मेरे आज के इस वीडियो के बेस्ट स्मार्टफोन अंडर हर सेगमेंट के अंदर 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 और 30,000 और 40,000। ये टॉप डील्स मैंने 6 के 6 सेगमेंट यानी कि टोटल पूरे सेगमेंट जो कि इंडियन कंज्यूमर देखता है इतने सेगमेंट के अंदर, तो मैंने पूरे सेगमेंट कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो लोग अमेज़न और फ्लिपकार्ट के जो सेल उसके अंदर अगर कन्फ्यूज़ हो गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि कौन से स्मार्टफोन बेस्ट रहेंगे। तो मैंने इस जो वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की यार, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।